Hello friends, welcome back to the channel again. So we completed the topics like title webs till this. Okay, so this was the part of WBSET question paper in the year 2023. So there are many more topics and we will complete them in the subsequent videos. So let's start today's session. So today we will start with tsunami. सुनामी ये क्या होता है आपको पता होगा, मैं पहले लिख लेता हूँ थोड़ा सा. सुनामी, TSUNAMI, तो ये स्टाइलर स्पेन, क्या बोलते थे, स्टाइलर बोलते नहीं, क्या बोलते, ठीक है चलो जो भी है, ये पेन अच्छा वाला खरीदना पड़ेगा इसलिए लिखा नहीं अच्छा हो रहा है इसमें. चलो तो सुनामी क्या है, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस टू सी फ्लोर. तो पहले यही स्टेटमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा कि सुनामी जो होता है ये मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम सरफेस टू सी फ्लोर. सरफेस टू सी फ्लोर मूवमेंट ऑफ वाटर है ये. एंड स्वेलिंग इफेक्ट कैन ग्रेटली इंक्रीज वेव हाइट्स क्लोजर टू कोस्ट. नियर द कोस्ट स्वेलिंग इफेक्ट ग्रेटली इंक्रीजेज द वेव हाइट्स. ठीक है, अब ये स्वेलिंग इफेक्ट क्या होता है, तो स्वेलिंग इज अ फेनोमेनन दैट ऑकर्स व्हेन वाटर वेव्स मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर. यानी जैसे डीप ओशियन से वाटर वेव्स जब कोस्ट के पास आता है तो जो डेप्थ कम हो जाता है उसको हम स्वेलिंग इफेक्ट कहते हैं. तो स्वेलिंग इफेक्ट के कारण वेव हाइट का इंक्रीज होता है. और सुनामी क्या है ना, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डीप फ्रॉम सरफेस टू सी फ्लोर. ओके, नाउ अनलाइक विंड वेव्स व्हिच ओनली अफेक्ट द सरफेस ऑफ द ओशियन, सुनामीज मूव थ्रू द एंटायर डेप्थ ऑफ द ओशियन. इसलिए तो सरफेस टू सी फ्लोर बोला गया है. ठीक है, तो इसका मतलब है ये मूव्स फ्रॉम थ्रू द एंटायर डेप्थ ऑफ द सी और ओशियन फ्लोर. सुनामीज कैन ट्रैवल एट स्पीड्स ऑफ अप टू 500 माइल्स और 800 किलोमीटर पर आवर. सुनामी का स्पीड कितना हो सकता है, लगभग 800 किलोमीटर पर, मतलब मैक्सिमम 800 किलोमीटर पर आवर ये जा सकता है. ठीक है, सुनामी कैन ट्रैवल एट स्पीड्स ऑफ 800 किलोमीटर और 500 माइल्स पर आवर. Now it can reach maximum heights of 100 feet or 30 meters near coastal areas. और इसका height maximum 100 feet या 30 meter तक जा सकता है. Okay, तो ये हमने सुनामी के बारे में कुछ जाना कि this is the movement of water from surface to deep, यानी enter depth of the ocean. और swelling effect के कारण इसका height increase हो जाता है और इसका जो स्पीड है वो 800 किमी और 500 माइल्स पर आवर हो सकता है. 800 किमी और 500 माइल्स पर आवर हो सकता है. इसका हाइट मैक्सिमम 100 फीट या 30 मीटर तक जा सकता है. 100 फीट या 30 मीटर तक जा सकता है. ओके, तो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें सुनामी के बारे में जाना. ओके, अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप कमेंट कर सकते हो डेफिनेटली. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. आगे की टॉपिक है रिप सेल सर्कुलेशन. तो अब ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स नया नया मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है. ठीक है, आपको रिविजन में मदद मिलेगा और आपको बहुत सारे नया टॉपिक्स मिलने को भी मिलेगा. ठीक है, रिप सर्कुलेशन के बारे में हम बात करेंगे. तो डेवलप्ड अलोंग द कोस्ट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ शोर नॉर्मल एंड लॉन्ग शोर कारेंट्स. ओके, तो पहले ये कहाँ डेवलप होती है, कोस्ट में डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ शोर नॉर्मल एंड लॉन्ग शोर कारेंट्स. देखो दो चीज़ आपको यहाँ पर देखना होगा कि शोर नॉर्मल क्या होता है, ठीक है, या फिर शोर नॉर्मल करंट क्या होता है, शोर नॉर्मल करंट क्या होता है, और दूसरा क्या है, लॉन्ग शोर कारेंट्स क्या होता है. लॉन्ग शोर कारेंट्स क्या होती है,
Now rip currents are part of near shore circulation cells that transport water between the surf zone and areas offshore. Rip currents form when waves break near the shoreline, piling up water between the breaking waves and the beach, often perpendicular to the shoreline. यानी 90 डिग्री एंगल में ये पास होता है शोर लाइन से एंड नॉट मोर देन 25 मीटर्स वाइड और 80 फीट वाइड नॉट मोर देन 80 फीट और 25 मीटर्स वाइड द रिप सेल सर्कुलेशन डेवलप्ड अलोंग द कोस्ट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ शोर नॉर्मल एंड लॉन्ग शोर करेंट्स रिप करेंट्स आर पार्ट ऑफ नियर शोर सर्कुलेशन सेल्स दैट ट्रांसपोर्ट वाटर बिटवीन द सर्प जोन एंड एरियाज ऑफ शोर रिप करेंट्स फॉर्म व्हेन वेव्स ब्रेक नियर द शोर लाइन पाइलिंग अप वाटर बिटवीन द ब्रेकिंग वेव्स एंड द बीच often perpendicular to the shoreline not more than 25 meters or 80 feet. ठीक है तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको कठिन लग सकता है जैसे कि शोर नॉर्मल करंट क्या है लॉन्ग शोर करंट क्या है क्योंकि ये फर्दर आपको जानना है देन रिप करंट्स आर पार्ट ऑफ नियर शोर सर्कुलेशन सेल्स दैट ट्रांसपोर्ट वाटर बिटवीन शार्प जोन तो शार्प जोन क्या होती है ये भी जानना है ठीक है एंड रिप करंट्स फॉर्म व्हेन वेव्स ब्रेक नियर द शोर लाइन पाइलिंग अप वाटर बिटवीन द ब्रेकिंग वेव्स एंड द बीच तो क्वेश्चन शायद फर्स्ट स्टेटमेंट वाला था कि डेवलप्ड अलोंग द कोस्ट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ शोर नॉर्मल एंड लॉन्ग शोर करंट या फिर व्हिच सर्कुलेशन जनरेट्स ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ शोर नॉर्मल एंड लॉन्ग शोर करंट ऐसे करके कुछ था तो वो होता है आपका रिप सेल सर्कुलेशन तो मोटी मोटी बात याद रखना कि यहाँ पर लॉन्ग शोर का बहुत रोल है ये परपेंडिकुलर फ्लो होता है और इसके जो वेट है ये 25 मीटर या फिर 80 फीट तक होता है और ये ब्रेक्स हो जाता है नियर दी सरफेस पाइलिंग अप वाटर बिटवीन ब्रेकिंग वेव्स एंड दी बीच ओके एंड हमने क्या पढ़ा हाँ ये शार्प जोन एंड ऑफशोर के बीच में ये फॉर्म होता है ठीक है तो ये मोटी मोटी बात याद रखना है यहाँ पर बाकी हम आगे के टॉपिक देखते हैं आगे का था कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी तो आपको नाम से ही पता चल रहा एफिशिएंसी है ना इकोलॉजिकल एफिशिएंसी आपने पढ़ा भी होंगे इसको तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या है ना इट्स द रेशियो बिटवीन द एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स अलोंग फूड चेन व्हेन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इट इज़ द रेशियो बिटवीन द एंटायर फ्लो एनर्जी फ्लो इट इज़ द रेशियो बिटवीन द एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स अलोंग द फूड चेन व्हेन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज द रेशियो बिटवीन द एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स अलोंग द फूड चेन व्हेन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज द रेशियो बिटवीन द एनर्जी फ्लो सॉरी द रेशियो बिटवीन द एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स अलोंग द फूड चेन व्हेन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज Usually, only 10% of energy is transferred from one organism to the next. तो उसी को हम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बोलते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बोल रहा है कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है तो वो एनर्जी पूरा ट्रांसफ़र नहीं होता हो पाता कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है तो यूजुअली क्या होता है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट तो ओनली 10% ही ट्रांसफ़र हो पाते हैं तो इसको हम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बोलते हैं ठीक है तो ये भी टॉपिक आपने हो गया थोड़ा बहुत और भी देख सकते हो आप और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है बस बेसिक चीज़ें जो है वो याद रखिएगा टर्म्स को ठीक है मैं बोलता हूँ कि यार हमारा सब्जेक्ट आर्ट्स है ह्यूमैनिटीज़ है यहाँ पर वर्ड्स एंड मीनिंग्स का ही गेम है अगर आपने मीनिंग जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया ना वो देखो होम्योस्टैटिक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था या फिर कीवर्ड बेसिस आप पढ़ाई बोल सकते हो इसको कि हम सिर्फ कीवर्ड्स को पढ़ रहे हैं यहाँ पर ठीक है उसके साथ साथ रिकॉल कर रहे हैं हम होम्योस्टैटिक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था तो होम्योस्टैटिक क्या होता है होम्योस्टैटिक आपको पता होगा कि इट्स द सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय व्हिच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन इट्स इंटरनल स्टेबिलिटी व्हाइल एडजस्टिंग टू चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशंस ठीक है तो मान लो बाहर से कुछ डिस्टर्बेंस हुआ आपकी सिस्टम में ठीक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिस्टम में तो वो अपने आप ठीक हो जाता है कुछ देर बाद ठीक है तो उसको हम होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म बोलते हैं तो
इसका डेफिनेशन पढ़ा जाए तो देखो इट इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, ध्यान से सुनिएगा, सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है बाय व्हिच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाय व्हिच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी, कैन मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी व्हाइल एडजस्टिंग टू चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशंस, व्हाइल एडजस्टिंग टू चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशन, जब बाहर की जो चेंजेस हुआ है बाहर में, बाहर के एनवायरनमेंट के साथ जब अडॉप्ट कर रहा है, जब एडजस्ट कर रहा है, तो जो इंटरनली डिस्टर्ब हो जाता है वो फिर से दोबारा सही हो जाने को होम्योस्टेटिक सिस्टम हम बोलते हैं। नेक्स्ट था हमारा हेलियोफाइट्स, नेक्स्ट था आपका हेलियोफाइट्स, HELIOPHYTES। तो ये हेलियोफाइट्स क्या था कि ये बेसिकली मार्सी ग्राउंड में या फिर मार्सी लैंड में इसको पाया जाता है हेलियोफाइट्स। यार मैंने गलत लिख ही दिया, गलत, ठीक है चलो इसको चेंज करते हैं स्लाइड को, अब हम फिर से डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेलियोफाइट्स, इसके साथ जो भी रिलेटेड टर्म्स आएगा वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमारा बाकी के टॉपिक भी याद हो जाए, रिकॉल हो जाए। हेलियोफाइट्स, एक्टिव रिकॉलिंग की टेक्निक यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। हेलियोफाइट्स तो फाउंड इन मार्सी ग्राउंड्स, तो ये हेलो नाम से क्या है, देखो हेलो और फाइट्स, ठीक है, तो ये मार्सी ग्राउंड में पाया जाता है। हैव बर्ड्स दैट ओवर विंटर अंडर वाटर, यानी ये इसका कुछ मेकनिज़म है, तो बर्ड्स है जो कि इसको विंटर में पानी के अंदर रहने में मदद करता है, तो इसको हेलियोफाइट बोला जाता है। ये मार्सी ग्राउंड में पाया जाता है। एंड इंडिकेटर्स ऑफ यूट्रोफिकेशन इन बायो असेसमेंट्स, और ये हेलियोफाइट जो होता है ये बायो असेसमेंट का एक इंडिकेटर भी है, ठीक है, इंडिकेट करते हैं कि यूट्रोफिकेशन लेवल क्या है। आप ये यूट्रोफिकेशन क्या है ये आप जानिएगा, ठीक है, चीज़ों को लिंक करते चलिएगा। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन क्या है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है ना, उसको यूट्रोफिकेशन बोलता है। नाउ देखो तो हेलियोफाइट हमने करा, अब और भी सारे रिलेटेड टर्म्स है इसके साथ जो कॉन्फ्यूजिंग है, तो एक बार हम देख लेंगे। हेलियोफाइट्स के बाद आता है हेलियोफाइट्स, ये एक होता है हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स क्या होते हैं, देखो कि ये सन लविंग होता है, सन लविंग और सन स्ट्रॉक प्लांट्स होते हैं विथ इंटेंस इंसुलेशन। तो हेलो मतलब सन नहीं है, हेलियो मतलब सन है, हेलियो हीलियम से आप याद रख सकते हो कि हीलियम जो गैस है वो सन में पाया जाता है बहुत सारे मात्रा में, तो हेलियो हेलियोफाइट्स होता है सन लविंग प्लांट्स, ठीक है। तो ये मतलब क्या करते हैं कि ज़्यादा धूप जहाँ होगा, ज़्यादा सनलाइट जहाँ होंगे वहाँ पर ये ग्रो करेंगे, तो इसको सन लविंग या फिर सन स्ट्रॉक प्लांट्स भी कहा जाता है, अडॉप्टेड विथ इंटेंस इंसोलेशन, ठीक है। तो ये आपका हेलियोफाइट हो गया। देन हम देखेंगे हेलोफाइट, HALO। तो देखो हेलो हेलो हेलियो, कितनी सारे यहाँ मतलब पूरा दिमाग खा जाएगा, ठीक है। तो हेलियोफाइट देखो ये क्या होती है ना, हेलो तो ये हेलो होते हैं आपका सॉल्ट टॉलरेंट, अब इसको क्या बोले यार, तो आप सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट को हेलियोफाइट भी बोला जाता है, ईचे हेलियोफाइट भी बोला जाता है, ठीक है, हेलियोफाइट भी बोला जाता है सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट को। तो हमने पढ़ा हेलियोफाइट हेलियोफाइट हेलियोफाइट, ओके। नाउ और दो है स्कायोफाइट्स, और भी सारे हो सकते बट मैंने इसमें इन्हीं को नोट किया था, स्कायोफाइट्स। तो ये क्या होते, देखो रिक्वायर लो सनलाइट, तो ये पूरा हेलियोफाइट का उल्टा है, ठीक है, उल्टा है हेलियोफाइट में, सॉरी हेलियोफाइट, देखिए अभी कन्फ्यूज हो गया, तो हेलियोफाइट का नॉट हेलियोफाइट का, हेलियोफाइट मतलब सॉल्ट टॉलरेंट है, हेलियोफाइट का उल्टा है आपका स्कायोफाइट। तो ये रिक्वायर्स लो सनलाइट इंटेंसिटी, लो सनलाइट इंटेंसिटी टू ग्रो, ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए होती है स्कायोफाइट्स को, ठीक है, हेलियोफाइट का उल्टा है। और एक है हेमोफाइट, हेमोफाइट क्या होते हैं ना, होस्ट फाइगोसाइटिक डिफेंसिव सेल्स। अभी फाइगोसाइटिक क्या है, इसका मीनिंग तो मैंने नोट नहीं किया है, तो बस आप देख लेना, ठीक है, फैगोसाइटिक डिफेंसिव सेल्स, तो इसको हेमोफाइट भी बोला जाता है, हेमोफाइट, हमने इसको नोट किया एक बार, हेमोफाइट। तो ये बैक्टीरिया का कुछ बात होगा, तो आप टिक मार्क लगाओगे कि यार हेमोफाइट होता है उसमें, हेमोफाइट होस्ट
फैगोसाइटिक डिफेंसिव सेल्स। अब देखो मैंने ये कुछ चीज़ें ना मतलब इंटेंसली नहीं देखा, क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगा तो फिर वो चीज़ें हम लोगों को याद भी नहीं रहेगा, तो हम थोड़े थोड़े करके पढ़ेंगे कि कुछ चीज़ें हमने अभी जाना। फिर जब टॉपिक आएगा, क्योंकि ये पीवाई की उसका सीरीज कंटिन्यू होने वाला है, तो फिर जब टॉपिक आएगा तो जो चीज़ें हमने अभी पढ़ा इतना अगर याद रहेगा तो हम बाकी की इन्फॉर्मेशन बाद में ले सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने अभी थोड़ा थोड़ा स्पेशल, इसलिए सारे नोट इंटेंशनली नहीं किया गया है, बट आप चाहे तो फर्दर रिसर्च तो आप कर ही सकते हो, आपके पास गूगल है, मोबाइल है, सारे कुछ है ना, ये बात है। या फिर कुछ स्पेसिफिक डाउट होगा तो फिर कमेंट करिएगा। ओके, तो हेमोफाइट हमने पढ़ा, होस्ट फैगोसाइटिक डिफेंसिव सेल्स, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर रखते हैं, मतलब इस टॉपिक को छोड़ते ही हेलो हेलियो हेलोस स्कायो हेमो, इसको हम इसमें छोड़ते हैं, बाकी नेक्स्ट आगे क्या था देखते हैं। ओके, तो और एक बार हम अगर बोले हेलोफाइट होता है क्या, हेलोफाइट होता है आपका जहाँ पर मार्सी ग्राउंड में हेलोफाइट उगता है, और ये विंटर में पानी के अंदर रह जाता है। इंडिकेटर्स ऑफ यूट्रोफिकेशन इन बायो असेसमेंट होते हैं हेलोफाइट्स। अब हेलियोफाइट जो हो ये सन लविंग हो, और स्कायोफाइट्स सन लविंग का पूरा उल्टा है, इसको कम सनलाइट चाहिए। हेलोफाइट जो होता है ये सॉल्ट टॉलरेंट होता है, और हेमोफाइट जो होता है ये कुछ फैगोसाइटिक, क्या बोला हमने, फैगोसाइटिक डिफेंसिव सेल्स इसके अंदर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे डार्विन्स पैराडॉक्स, ठीक है, डार्विन्स पैराडॉक्स। तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट करके कि आपको नया नया टॉपिक मिल रहा है या फिर आपको ये सारे चीज़ें पहले से पता था। डेफिनेटली अगर आपने सॉल्व किया होंगे क्वेश्चन पेपर तो आपको पता होगा, बट शायद हम बुक में इतना डिटेल में चीज़ें नहीं दिया रहता और हम पढ़ते भी नहीं है। तो डार्विन्स पैराडॉक्स हमने पढ़ेंगे, डार्विन्स पैराडॉक्स ये क्या होती है। देखो, सस्टेनेंस ऑफ इकोसिस्टम विद अबंडेंस ऑफ मैरीन लाइफ इन अपेरेंटली न्यूट्रिएंट फ्री एंड क्लियर वाटर ऑफ द कोरल रीफ्स, तो उसको हम डार्विन्स पैराडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सस्टेनेंस ऑफ इकोसिस्टम विद अबंडेंस ऑफ मैरीन लाइफ इन अपेरेंटली न्यूट्रिएंट फ्री एंड क्लियर वाटर ऑफ द कोरल रीफ्स, तो कोरल रीफ जहाँ मिलता है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये हमने पढ़े थे। बट वहाँ पर अगर कोरल रीफ न्यूट्रिएंट फ्री है और वहाँ पर क्लियर वाटर है, फिर भी बहुत सारे जो है मैरीन लाइफ वहाँ पर सस्टेन कर रहा है, तो उसको हम डार्विन्स पैराडॉक्स बोलेंगे शायद, है ना। ऐसा ही कुछ बोलना चाहें यहाँ पर कि सस्टेनेंस ऑफ इकोसिस्टम विद अबंडेंस ऑफ मैरीन लाइफ इन अपेरेंटली न्यूट्रिएंट फ्री, मतलब बहुत सारे मैरीन ऑर्गेनिज्म रह रहा है बट अपेरेंटली वो रीजन क्या है या फिर जोन क्या है, मैरीन एनवायरनमेंट न्यूट्रिएंट फ्री है एंड वाटर भी बहुत क्लियर है, न्यूट्रिएंट कम होगा तो वाटर क्लियर होगा ऑफ द कोरल रीफ्स, जो कोरल रीफ वहाँ का है वहाँ का कोरल रीफ का बहुत क्लियर वाटर होगा, ठीक है। तो हमने ये डार्विन्स पैराडॉक्स के बारे में थोड़ी बहुत जाना कि कोरल रीफ के साथ रिलेटेड है, न्यूट्रिएंट फ्री एनवायरनमेंट होता है, मैरीन लाइफ जहाँ पर बहुत सारे पाया जाता है या फिर ग्रो करता है विदाउट इन अ न्यूट्रिएंट फ्री एनवायरनमेंट एंड क्लियर वाटर ऑफ द कोरल रीफ, ठीक है। नाउ देखते हैं कि जुगजन थैले और फिर जुक्स, ओके इसको ही हम देखेंगे। तो बड़ा वाला स्पेलिंग में नहीं लिख रहा हूँ, आप इतना सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको जुक्स या फिर जुगजन थैले, ठीक है। तो यूनिसेलुलर गोल्डन ब्राउन एल्गी, तो ये क्या है, एक एल्गी है, ठीक, ये एक एल्गी है दैट लिव आइदर इन द वाटर कॉलम ऑफ प्लांकटन एज प्लांकटन और सिम्बायोटिकली इनसाइड द टिश्यू ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये प्लांकटन एज ए प्लांकटन भी ये मैरीन एनवायरनमेंट रह सकता है या फिर ये सिम्बायोटिकली किसी इनसाइड द टिश्यू ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, किसी भी और एक ऑर्गेनिज्म का टिश्यू के अंदर ये ग्रो कर सकता है, तो इसको हम जुक्सन थैले या फिर जुक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर होता है, तो फिर से पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर गोल्डन ब्राउन एल्गी दैट लिव आइदर इन द वाटर कॉलम एज प्लांकटन और सिम्बायोटिकली इनसाइड द टिश्यू ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो सिम्बायोटिक का मतलब तो आपको पता होगा, तो उसको हम जुक्सन थैले और फिर जुक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया गया है, तो हम पढ़ेंगे एक एक करके कि कोरल्स कंटेन फोटोसिंथेटिक सेल्स कॉल्ड जुगजन थैले। तो यही जुगजन थैले क्या करते हैं,
कोरल रीफ के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं दैट लिव इन देयर टिश्यू। ये कोरल रीफ के टिश्यूज़ में ये बैठता है या फिर रहता है, जुगनाथली या फिर जुग्स कोरल रीफ के टिश्यूज़ में रहता है एंड हैव अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, यानी कोरल पॉलिप कोरल डी कोरल पॉलिप्स एंड दीज जुगनाथली के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। द कोरल्स प्रोवाइड जुग्स विद ए प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट एंड कंपाउंड्स दे नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, द कोरल्स प्रोवाइड जुग्स विद ए प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट एंड कंपाउंड्स दे नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। द कोरल्स प्रोवाइड जुग्स विद ए प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट एंड कंपाउंड्स दे नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, द कोरल प्रोवाइड जुग्स विद ए प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट एंड कंपाउंड द नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कोरल रीप को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जुग्स, ठीक है, सॉरी कोरल्स इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जुग्स को, क्योंकि जुग्स कोरल के अंदर रहता है। इन रिटर्न द जुग्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हेल्प द कोरल टू रिमूव वेस्ट। तो जो जुग्स कोरल, क्योंकि कोरल के पास तो क्या होता है वो अरे ग्रीन पिगमेंट को क्या बोला जाता है, सारक सॉन्गसलेस के लिए जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है उसको भूल रहा हूँ मैं, तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए जो चाहिए होती है नहीं होती है कोरल के पास, तो ये जुग्स उसे प्रोवाइड करता है और कोरल जुग्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है। 90% ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल फोटोसिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड बाय द जुग्स इज ट्रांसफर टू द होस्ट कोरल टिश्यू, ठीक है, जो 90% ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल फोटोसिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड बाय द जुग्स इज ट्रांसफर टू द होस्ट कोरल टिश्यू। तो फोटोसिंथेटिकली जो भी ये जुग्स प्रोड्यूस करता है उसका 90% कोरल के पास जाता है या फिर कोरल को मिल जाता है। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कोरल रीफ्स। ये जुग्स एक कारण ही कोरल रीफ्स जो है वो ग्रो कर पाते हैं। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कोरल रीफ्स। जुग्स सेल्स प्रोवाइड कोरल्स विथ पिगमेंटेशन, ये हमने जो बोला पिगमेंटेशन जो फोटोसिंथेसिस के लिए लगता है वो पिगमेंटेशन, एंड कोरल पॉलिप विदाउट जुग्स सेल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम विल डाई। अगर जुग्स कोरल पॉलिप के अंदर नहीं है या फिर कम हो गया घट गया तो धीरे धीरे कोरल की ग्रोथ भी कम हो जाएगा और वो फूड के अभाव के कारण या फिर न्यूट्रिएंट के कारण न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण कोरल लीफ जो है वो कोरल पॉलिप जो है वो मर जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी प्रिंसिप है कोरल्स के और जुग्स के बीच, जुग्स कोरल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और कोरल जुग्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है, अच्छी बात है ये, ठीक है। आई होप आपको याद भी रहेगा ऐसे करके सुनने से, ध्यान से सुनोगे तो उसके बारे में भी आपका क्या राय है क्या फीडबैक है मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ओके, हम आगे की टॉपिक देखेंगे, आगे के देखो है क्या है, कॉस्ट्यू COSTAU कॉस्ट्यू। जैक्स यूब्स कॉस्ट्यू इज क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग स्क्यूबा डाइविंग एंड द प्रिंसिपल ऑफ टर्बो शेलिंग। अच्छा, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ लिए थे तो आपको भी बता दिया मैंने एक बार, यहाँ पर देखो पहले तो स्पेलिंग को नोट करो, कॉस्ट्यू COSTAU, ठीक है, ये स्पेलिंग है। तो ये बेसिकली एक पर्सन का नाम है, नेम है। तो इन्होंने क्या किया था कि स्क्यूबा डाइविंग को डिस्कवर किया था, मतलब हाँ इन्वेंट किया था स्क्यूबा डाइविंग जो है उसको इन्वेंट किया था, और ये प्रिंसिपल ऑफ टर्बो शेलिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टर्बो शेलिंग TURBOSHELING, टर्बो शेलिंग, ये दो चीज़ें इन्होंने डिस्कवर की थी, ठीक है। और ये स्क्यूबा क्या होती है, स्क्यूबा का फुल फॉर्म है एक्चुअली सेल्फ कॉन्टेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेचर्स, सेल्फ कॉन्टेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेचर, सेल्फ कॉन्टेंट याद रखिएगा, सेल्फ कॉन्टेंट अंडर वाटर, यू फॉर अंडर वाटर एंड एस फॉर सेल्फ, सी फॉर कॉन्टेंट अंडर वाटर, यू फॉर अंडर वाटर, देन ब्रीदिंग, बी फॉर ब्रीदिंग एपरेचर्स, ब्रीदिंग एपरेचर से PAPPARATUS, ओके एपरेचर, ओके जी। देखो एक्वा लंग भी बोला जाता है इसको, स्क्यूबा को एक्वा लंग भी बोला जाता है। अलाउ डाइवर्स टू स्विम फ्रीली अंडर वाटर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ना इसलिए इसको स्क्यूबा डाइविंग हम बोलेंगे, ठीक है। जिन्होंने
किसने डिस्कवर किया था स्क्यूबा डाइविंग को? कॉस्ट्यू ने। याद रखिएगा ना, इतना इतना इम्पोर्टेंट है नहीं बट फिर भी चलो। देन और एक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो ऑफ मैटर। फ्लो ऑफ मैटर तो वही न्यूट्रिएंट साइकिल वाला जो हमने टॉपिक था वही का ये रिलेटेड है कि फ्लो ऑफ मैटर। मैटर मीन्स एनर्जी, ठीक है। फ्लो ऑफ अरे सॉरी सॉरी, तो फ्लो ऑफ मैटर क्या होता है ना, न्यूट्रिएंट साइकिल्स क्लोजली पैरेलल द रूट्स ऑफ एनर्जी फ्लो विद इन द बॉडी कंपोनेंट्स। मतलब एक लेवल से एक लेवल तक जो एनर्जी है वो जाता है। हमने पढ़ा 10% रूल, या फिर क्या बोलते हैं उसको, क्या पढ़ा हमने 10% रूल का क्या नाम था, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। यस, तो 10% रूल एंड द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इज साइक्लिक होती है। फ्लो ऑफ मैटर में द न्यूट्रिएंट साइकिल इज कंजर्वेटिव बिकॉज द टोटल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन द प्लैनेट रिमेंस रिलेटिवली कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट साइकिल और इकोलॉजिकल रिसाइकिलिंग इज द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू द प्रोडक्शन ऑफ मैटर। तो न्यूट्रिएंट साइकिल का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो वहाँ पर फ्लो ऑफ मैटर होता है। जो भी है वो कुछ चीज़ें आपको याद रखना होगा कि फ्लो ऑफ मैटर होता है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है और न्यूट्रिएंट साइकिल ये क्लोजली पैरेलल होता है टू द रूट्स ऑफ एनर्जी फ्लो विद इन दी बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे टर्म्स की पैरेलल होता है, पैरेलल होती है टू द रूट्स ऑफ एनर्जी फ्लो। ऐसे पैरेलल की इसका कोई मतलब नहीं है। अब द मूवमेंट्स ऑफ मेटेरियल्स इज साइकिल, ठीक है। जो मेटेरियल जो है वो साइकिल में मूव करता है। द न्यूट्रिएंट साइकिल इज कंजर्वेटिव होता है, यानी टोटल मैटर ऑफ एनर्जी क्या होता है, हमेशा सेम रहता है यूनिवर्स में, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल और इकोलॉजिकल रिसाइकिलिंग इज द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू द प्रोडक्शन ऑफ मैटर। तो ये हमने जाना फ्लो ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। चलो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजिंग वाटर एंड एयर पॉल्यूशन रेस्ट ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड सेपरेशन। तो ये याद रखना होगा आपको कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजिंग वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन मैनेजमेंट किसके ऊपर बेस्ड है। प्रिंसिपल क्या है वाटर एंड एयर पॉल्यूशन किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन एंड सेपरेशन पे, कॉन्सेंट्रेशन एंड सेपरेशन। तो आप फर्दर सर्च कर सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन एंड सेपरेशन प्रिंसिपल ऑफ वाटर एंड एयर मैनेजमेंट, या फिर कॉन्सेंट्रेशन मेथड प्रिंसिपल ऑफ वाटर पॉल्यूशन देन अलग करके ऐसे करके सर्च करो तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। कॉन्सेंट्रेशन एंड सेपरेशन जो होता है वाटर एंड एयर मैनेजमेंट को वाटर मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजिंग वाटर एंड एयर पॉल्यूशन रेस्ट ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड सेपरेशन, मतलब इसके बेसिस पे इसका प्रिंसिपल बनता है ना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजिंग वाटर रेस्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड सेपरेशन। नाउ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। देखो लिखते हैं इसको पहले वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अच्छा ये अच्छा लिख रहा है, ऐसे करके फिर पकड़ना होगा, पकड़ने से भी मतलब फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। हम चेस्ट कोशिश करेंगे अच्छे लिखने से। तो देखो इसका प्राइवेट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमारा थ्री स्टेट होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है आपका टर्शियरी, ठीक है। तो प्राइमरी में क्या होता है, देखो प्राइमरी में आता है आपका स्क्रीनिंग, कम्युनिटर, मतलब ये सारे स्टेप्स है छोटे छोटे, तो जो कि प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं, देन सेकेंडरी में है, देन टर्शियरी में। तो आपको ये नाम बहुत ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि प्राइमरी के अंदर क्या क्या आती है। तो स्क्रीनिंग जो होती है स्क्रीनिंग, ठीक है। अब इसके बारे में आप फर्दर जानिएगा स्क्रीनिंग मतलब, ठीक है। अब देखो कम्युनिटर CUNITOR कम्युनिटर, और ग्रिट चेंबर एंड ग्रिट डिस्पोजल। तो ये चार चीज़ें प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं, स्क्रीनिंग,
कम्यूनिटर यस कम्यूनिटर ठीक है COMMINUTOR कम्यूनिटर, तो इसको सही कीजिएगा। अच्छा ये बहुत अच्छा तो है, चलो क्या है ये, जैसे शिफ्ट कर सकते क्या हम, पता नहीं क्या, जो भी है चलो इसको छोड़ा होगा अभी। तो हमने पढ़ा स्क्रीनिंग और कॉम्यूनिटर ठीक है, तो स्पेलिंग क्या था एक्चुअली कॉम्यूनिटर COMMINUTOR कम्यूनिटर ठीक है कम्यूनिटर। तो ये सर प्राइमरी प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आता है, स्क्रीनिंग कम्यूनिटर ग्रिड चेंबर एंड ग्रिड डिस्पोजल। स्क्रीनिंग कम्यूनिटर ग्रिड चेंबर एंड ग्रिड डिस्पोजल ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर आता है। अब सेकेंडरी में क्या होता है, देखो सेकेंडरी में एरेसेंट टैंक आता है और एक्टिवेटेड स्लूज आता है, तो ये दो प्रोसेस आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आएगा। एक्टिवेटेड स्लूज या स्लज SLUDGE इसका स्पेलिंग है, एक्टिवेटेड स्लज एंड एरेसेंट टैंक ERATION एरेसेंट टैंक ठीक है एरेसेंट टैंक एस्टिमेटेड एक्टिवेटेड स्लैज और फिर एरेशन टैंक, ये सेकेंडरी में आता है। टर्शियरी में आपका आता है डिस इन्फेक्शन, टर्शियरी में आता है आपका डिस इन्फेक्शन। तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, देखो पहले हम डिस इन्फेक्ट कर ले तो फिर अच्छा रहेगा, बट ये एक्चुअली टर्शियरी ट्रेट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की स्टेज है डिस इन्फेक्शन ठीक है। तो अब एग्जैक्ट क्वेश्चन किस में था वो तो याद नहीं है, बट डेफिनेटली इसके ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो वो क्वेश्चन हम कर सकते थे। तो हमने पढ़ा थ्री स्टेजेस हो सकता है, प्राइमरी टाइप्स हो सकते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को, प्राइमरी टर्शियरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होती है, स्क्रीनिंग होती है, देन स्क्रीनिंग ग्रिड चैम्बर ग्रिड डिस्पोजल और कम्यूनिटर, ये हमने पढ़ा था ठीक है कम्यूनिटर। और सेकेंडरी में होता है आपका एक्टिवेटेड स्लज एंड एरेशन, एक्टिवेटेड स्लज एंड एरेशन टैंक था एरेशन टैंक ओके। टर्शियरी में है आपका, टर्शियरी में क्या है, टर्शियरी में आपका आता है डिस इन्फेक्शन ठीक है। तो ये हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ा। और देखो और भी कुछ क्लासिफिकेशन हो सकता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, जैसे कि प्री ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ द स्लज ठीक है। ऐसा ये भी एक तरीके का क्लासिफिकेशन हो सकता है। प्री ट्रीटमेंट में क्या होती है कि सेडिमेंटेशन एंड कोआगुलेशन होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोआगुलेशन, फ्लॉकुलेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीज़ें होती है, ये सारे प्रोसेसेस होता है। देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोडिग्रेडेशन, फिल्ट्रेशन, एडसॉर्प्शन, ये सारे प्रोसेस होता है। अब टर्शियरी में ऑक्सीडेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, ये सारे होता है। ट्रीटमेंट ऑफ द स्लज में सुपरवाइज टिपिंग, रिसाइकिलिंग, इंसिनरेशन, ये सारी चीज़ किया जाता है ठीक है। तो इसके बारे में आप और भी फर्दर देखिएगा, प्री ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, हमने तो दो तो पढ़े, तीन तो पढ़ लिया, और उसके आगे और बाद में भी और एक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले होगा प्री ट्रीटमेंट और सबसे लास्ट में होगा ट्रीटमेंट ऑफ द स्लज, मतलब हमने जो डिसइनफेक्ट किया, स्लज मिला उसको करना क्या है, और किसी भी जो वेस्ट वेस्ट है वाटर है उसको ट्रीट करने से पहले भी कुछ स्टेप होता है, उसको हम प्री ट्रीटमेंट बोलता है, जैसे कि सेडिमेंटेशन एंड कोआगुलेशन होता है ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे बायो एक्यूमुलेशन, तो ये आपको पता होगा बायो एक्यूमुलेशन क्या होती है, बायो एक्यूमुलेशन। हाँ तो मेरे को समझ में आया कि स्पेन को मैंने अच्छे से प्रेशर देना है ताकि जो ये टच हो पाए ठीक है, हार्ड पार्ट जो है ये स्क्रीन के ऊपर टच हो पाए ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बायो एक्यूमुलेशन लिखा है मैंने, तो ये क्या है ना, ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ केमिकल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। बायो एक्यूमुलेशन क्या है ना, ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ केमिकल्स
केमिकल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये होती है बायो एक्युमुलेशन। और एक एसोसिएटेड चीज़ें हम जान लेंगे कि कॉप 26 जो है यहाँ पर इंडिया प्लेज किया था टू अचीव नेट जीरो बाय नेट जीरो ऑफ जीएचजी एमिशन यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2070। तो 2070 की जो ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने 2021 की नवंबर वाला जो कॉप 26 हुआ था 2021 की नवंबर में हुआ था कॉप 26, यहाँ पर इंडिया ने प्लेज लिया है कि 2070 के अंदर इन्होंने जीएचजी एमिशन को जीरो कर देगा, यानी इसको बोल रहा है नेट जीरो। तो नेट जीरो क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर बोला जा रहा है, प्लेज लिया जा रहा है कि 2070 के अंदर हमने जीएचजी ग्रीन हाउस गैस की एमिशन को जीरो कर देंगे बाय 2070। ये इंडिया ने बोला है, प्लेज लिया है कहाँ पर, ना कॉप 26 में। ओके, तो कॉप का फुल फॉर्म क्या है आप बता सकते हो, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रख रहा है, आज का वीडियो थोड़ा आधा घंटा का ही रख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस वीडियो की इसी में स्टॉप करते, आगे का टॉपिक हम बाद में देखेंगे। तो आप इतना टॉपिक आप प्रिपेयर कर लीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।